नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे में। आज हम इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 का अपडेट देखने वाले हैं। यह पैकेज 2 34 किलोमीटर लंबा होने वाला है। यह तेजाजी नगर से स्टार्ट होता है और वालवाड़ा को कनेक्ट करता है। इस पैकेज में 4 टनल आती हैं, जिसमें से आज हम 3 टनल का अपडेट भी देखने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। यह 3 राज्य को कनेक्ट करेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो अभी आप जो बाजू में आप हाईवे देख रहे हैं, ये इंदौर इच्छापुर हाईवे है। इसके जस्ट बाजू में ये एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी का काम पूरा जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है और इसके बाद आपको जल्द यहाँ पर फाइनल लेयर देखने को भी मिलने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद 30-35% लॉजिस्टिक किराया कम लगेगा और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्रेजेंट में आप इंदौर से हैदराबाद की यात्रा करते हैं तो आपको 870 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको यात्रा करने में कठिनाइयां होती है। ये सब देखते हुए NHAI ने एक 525 किलोमीटर लंबा इंदौर से हैदराबाद के बीच में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया है, जिससे आपके समय में काफ़ी बचत होगी और आप सेफ यात्रा कर पाएंगे। इस वीडियो की हमने शुरुआत की थी वलवाड़ा ब्रिज से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे इंदौर की साइड में और एंड करने वाले हैं सिमरोल ब्रिज तक का। तकरीबन 18 किलोमीटर का तक का अपडेट हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, ये है चोरल रिवर। इस चोरल रिवर के पिलर के फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया है। इसके ऊपर इसका ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज का भी आप देख सकते हैं फाउंडेशन का काम है, वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, क्योंकि आगे मानसून आने वाला है तो फिर ब्रिज में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है फाउंडेशन में। देखिए, इस वक्त इंदौर से जो हैदराबाद के लिए सामान भेजा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक के पाइप हो गए, कपड़े, एल्युमिनियम, नमकीन, ये सारा का सारा सामान हैदराबाद भेजा जाता है। और हैदराबाद से जो सामान आता है, जैसे कि मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया, चीनी हो गई, ये सब इंदौर की साइड में भेजा जाता है। ये सब ट्रकों द्वारा आता है, जिससे कि इसका लॉजिस्टिक किराया काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ये बन जाने के बाद इससे काफ़ी राहत मिलने वाली और काफ़ी समय की भी बचत होगी सबको। तो ये है वेगराम टनल 3, जो कि तकरीबन 550 मीटर लंबी है। एक साइड में आप देख सकते हैं ब्रेक थ्रो हो चुका है, एक साइड का ब्रेक थ्रो होना इस वक्त बाकी है। इसको भी फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है, जो कि एक साइड से आप देख सकते हैं ब्रेक थ्रो हुआ है, आपको क्लियरली यहां से देखने को मिल पा रहा होगा। इसके साथ फिनिशिंग का भी आप अच्छा खासा काम यहां पर हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये है वेगराम ट्विन टनल 2, इसका दोनों तरफ का ब्रेक थ्रो हो चुका है। इसकी जो लंबाई है 475 मीटर है दोनों टनल की, और इनको भी अभी फिनिशिंग का काम यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आपके सामने है इस वक्त। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये वेगराम गांव है। इसके पास से होके ये एक्सप्रेस भी गुजर रहा है और इसी गांव में होके ये पुराना हाईवे गुजरता है, और ये हाईवे को पूरा घूम फिर के जाना पड़ता है और ये एक्सप्रेस भी टनल के अंदर होके सीधा जाएगा, जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये सामने पुराना वाला हाईवे है, जो पहाड़ियों की वादियों से गुजरता है, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है और काफ़ी घूम फिर के आप इससे इंदौर की साइड में पहुंच पाते हैं, जिसमें काफ़ी समय भी आपको लग जाता है। और अभी आप सामने देखेंगे स्ट्रेट, तो आपको जो दो टनल दिखाई दे रही होंगी, ये इस एक्सप्रेसवे की टनल है। इन पहाड़ों के बीच से होकर गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे, जिससे आपको समय तो बचेगा ही और आपको पहाड़ों की चढ़ाइयों नहीं चढ़नी पड़ेंगी, जिससे आपको नॉर्मली आप यात्रा इसके ऊपर से आप कर पाएंगे आराम से। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाइडेक्ट बनाया जा रहा है। जैसे कि आप टनल से एग्जिट करेंगे तो आपको नीचे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, पहाड़ी रास्ता है तो आपको पूरा का पूरा एक लाइन में ही चलना पड़ेगा, आपको नीचे ऊपर नहीं होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वाइडेक्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पर पिलर बन के कम्प्लीट है वाइडेक्ट के। सिमरोल टनल 1 राइट साइड में देखेंगे तो 740 मीटर लंबी है, इसका भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो उसकी 400 मीटर लंबाई है, उसका भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। यहाँ पर इसको फिनिशिंग का काम जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाएगा और यहाँ पर अभी आपको काम काफ़ी अच्छा खासा इस वक्त देखने को मिल पा रहा होगा।
ये है सिमरौल गांव, जिसके पास होके यह एक्सप्रेसवे जाएगा। ये पुराना वाला हाईवे है जो कि सिमरौल गांव के अंदर होके जाता है, और ये एक्सप्रेसवे सिमरौल गांव के बाहर होके निकलेगा। यहाँ पर आपको गड्ढे गड्ढे से देखने को मिल पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टनल बनाई जा रही है ना, उसकी वजह से यहाँ पर अभी फिनिशिंग देना बाकी है। तो अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको मिट्टी का काम अधूरा दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी फिनिशिंग देना बाकी है। यदि आप इसके आगे देखते हैं सीधा इस तरफ, ये इंदौर की साइड में ही जाएगा, तो वहाँ पर आपको इस वक्त फिनिशिंग का काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा। इसके ऊपर अभी फाइनल लेयर होती है, उसको डालना बाकी है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको जल्द एक नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।